अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ईद उल अजहा के मौका पर तहफ्फुज़ दरस का जल्लों में तकरीब का इनेकाद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की शिरकत, बेसहारा ट्रांसजेंडर बच्चों के हमरा वक्त गुजारा। डीआईजी ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान की शहीद डॉल्फिन अहलकार मोहसिन के घर आमद। शहीद मोहसिन के कमसिन बेटे ने पुलिस यूनिफॉर्म में डीआईजी ऑपरेशंस का इस्तकबाल किया। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 97,775 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 6,140 कॉल्स पर भर वक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 72,354 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 720 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। ईद उल अजहा के मौका पर तहफ्फुज़ दरस का जल्लों में तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की और बेसहारा ट्रांसजेंडर बच्चों के हमरा वक्त गुजारा। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस की तहफ्फुज़ दरस का मुल्क भर में अपनी नोयत का मुनफरिद वेलफेयर प्रोजेक्ट है। तहफ्फुज़ दरस का बेसहारा ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए रहायश, खुराक, तालीम और तरबियत की मियारी सहूलियात से आरास्ता है। तहफ्फुज़ दरस का में ट्रांसजेंडर बच्चों को जूनियर ता सेकेंडरी क्लासेस तक मियारी तालीम फराहम की जा रही है। जल्लो फॉरेस्ट के करीब रिकॉर्ड मुदत में मुकम्मल होने वाले तहफ्फुज़ दरस का कम्युनिटी पॉलिसिंग की शानदार मिसाल है। तहफ्फुज़ दरस का में रहायश पजीर ट्रांसजेंडर बच्चों ने तकरीब में टेबलोज और दीगर परफॉर्मेंसेज पेश की। चेयरमैन यूके कैब जाहिद भट्टी, रुकन कौमी असम्बली सबा सादिक, ट्रस्टी यूके कैब नशीन नकवी, समाजी कारकुन डॉक्टर फरहाना काजिम और पुलिस के आला अफसरान ने तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। बड़े होकर मैं भी अपने बाबा जैसा बहादुर पुलिस वाला बनूंगा, मैं भी डाकुओं को पकड़ूंगा, डरूंगा नहीं, ये कहना था नन्हे हुसनैन मोहसिन का। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान शहीद डॉल्फिन अहलकार मोहसिन के घर तशरीफ लाए तो हुसनैन मोहसिन ने पुलिस यूनिफॉर्म में डीआईजी ऑपरेशंस का इस्तकबाल किया। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से नन्हे हुसनैन मोहसिन को सल्यूट और जज्बे को सराहा गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने शहीद की फैमिली से मुलाकात की और बच्चों से इजहार मोहब्बत किया। इस मौके पर फैसल कामरान का कहना था कि लाहौर पुलिस बहादुरों की फोर्स है, लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करती। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। आज बुध 19 जून है और हम आपके लिए लाए हैं लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से एक खसूसी स्मोग अपडेट न्यूज़ बुलेटिन। महकमे माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 110 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 95, पंजाब यूनिवर्सिटी 102 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 87 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोग से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोग से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं, ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।